देखो ये दे रखा है ट्रायंगल, क्वेश्चन में ट्रायंगल के तीन पॉइंट दे रखे हैं, 0 1, 0 और माइनस का 1, 2 और 1 और 0 और 3 दे रखा है, और इसके तीन मिड पॉइंट भी दे रखे हैं। मिड पॉइंट दे रखे हैं, हमने मिड पॉइंट बना रखे हैं डी ई और एफ दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है, इसके मिड पॉइंट से बना ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों में क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। ये सब क्या है, मिड पॉइंट है, लेकिन मिड पॉइंट तो है लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे इसके शीर्ष दे रखे हैं, इसके वर्टिस दे रखे हैं, तो इसके वर्टिस भी क्या करो, ज्ञात करो डी कितना है, ई कितना है और एफ कितना है। ये सभी क्या है, आपके मिड पॉइंट है, तो हम ज्ञात करेंगे मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले क्या है ज्ञात करने के, ये फॉर्मूला है आपके x2 प्लस x1 बटा 2 और y2 प्लस y1 बटा 2, ये है आपके मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्ञात करने। सबसे पहले है आपके d वाला पॉइंट, क्या d का x और y फाइंड करना है, पहले में पहला ऐड करेंगे और दूसरे में दूसरा, पहले में पहला ऐड करेंगे 2 प्लस 0 बटा 2, सेकंड में सेकंड 1 माइनस 1 बटा 2, प्लस प्लस कर दो और माइनस है तो माइनस कर दो, 2 और 0 2 बटा 2, एक में से एक गया 0 बटा 2, ये 2 में से 2 का डिवाइड करो कितना होता है 1, और यह आएगा आपके 0। देखो ये 0 और ये 2, इसके बीच में क्या आता है, 1 आता है, ये रहा 0 ये रहा 1 2 आता है, दोनों के बीच में 1 आता है, यहाँ है माइनस का 1, यहाँ भी है प्लस का 1, ये है ई, ई का x और y क्या करना है, हमें फाइंड करना है, ये रहा ई पॉइंट, पहले में पहला ऐड करेंगे और दूसरे में दूसरा, तो लिखेंगे 2 प्लस 0 बटा 2, पहले में पहला और दूसरे में दूसरा, मतलब 1 प्लस 3 बटा 2, ये हो गया है 2, जो कितने होते हैं 2 बटा 2 और 4 बटा 2, ये होता है 1 और 4 में 2 का भाग गया आपके 2 बार, ये वाला पॉइंट हो गया आपके 1 और 2। देखो 0 और 2 के बीच में 1 आता है और 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 2 आता है, आंसर आ गया 1। अब हम ज्ञात करेंगे F वाला पॉइंट। अब देखो ये पॉइंट ज्ञात करना है, इसका पहला और पहला पॉइंट बंद क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 बटा 2, ये दोनों, फिर इधर ये दोनों 3 माइनस 1 बटा 2, 0 और 0 0 बटा 2, 3 में 1 गया 2 बटा 2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, 0 और 0 के बीच में 0 आता है और कोई है नहीं, और 3 और माइनस 1 के बीच में क्या आता है आपके प्लस का 1, कैसे, ये रहा 0 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 2 3, ये रहा 3 और ये रहा माइनस 1, इन दोनों के बीचों बीच क्या आ रहा है 1, ये ऐसे दे रखा है। अब आपको इसका भी एरिया ज्ञात करना है और इसका एरिया भी ज्ञात करना है, और दोनों के एरिया में रेशो कितना होगा आपके 1/4, क्योंकि देखो ये तो केवल एक ही है और इस ट्रायंगल कितने हैं आपके चार चार बने हुए हैं 1 2 3 4, अगर इसका एरिया 5 आया है तो इसका हो जाएगा 20, इसका एरिया 2 है तो इसका हो जाएगा 8, मतलब कितना होगा आपके 4 टाइम होगा। पहले इसका एरिया क्या, पहले हम ज्ञात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है ज्ञात करने का, 1/2 कोष्टक x कोष्टक y माइनस y प्लस x कोष्टक y माइनस y प्लस x कोष्टक y माइनस y। अब सबसे पहले गिनती है 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 1 2 और 3, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा 2 3 1, फिर ये 2 आ जाएगा पीछे तो हो जाएगा 3 1 और 2। सबसे पहले लेंगे हम एरिया ऑफ एबीसी, देखो सबसे पहले क्या लेंगे हम एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी क्या आएगा, देखो ध्यान दो, एक तो पॉइंट है आपके ए वाला, ये रहा ए पॉइंट, ए में तो दे रखा है आपके 0 और माइनस का 1, बी में दे रखा है आपके 2 1 और सी में दे रखा है आपके 0 3, ये कहलाएगा x1 y1 x2 y2
एक्स थ्री और ये हो गया आपके वाई थ्री। अब हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया, एरिया ऑफ क्या ना यहाँ से लिख दो शॉर्ट में ए बी सी, ये फॉर्मूला है जमाओ वन अपॉन टू कोष्टक एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जीरो टू जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस यहाँ क्या टू आएगा फिर लास्ट में क्या है आपके जीरो, फिर है आपके वाई टू वाई थ्री, वाई टू वाई थ्री वन माइनस थ्री, फिर है आपके वाई थ्री वाई वन, वाई थ्री वाई वन तीन में से माइनस करना है आपको माइनस का वन, फिर है वाई वन वाई टू, वाई वन और वाई टू माइनस के एक में से घटाना है एक। अब तो क्या होता है एक बटा दो, जीरो को किससे भी गुणा करो जीरो ही आएगा, यह तो टू है और यहाँ कितना है थ्री ए और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का वन, तो थ्री और वन कितना हो गया आपके फोर, प्लस जीरो को किससे भी गुणा करो आंसर क्या आता है आपके जीरो ही आएगा, तो ये हो जाएगा वन बाई टू जीरो प्लस एट, एट हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको केवल एट, ये डिवाइड करो एट से कितना जाएगा फोर टाइम, आंसर क्या है आपके फोर सेंटीमीटर फोर यूनिट स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम यूनिट स्क्वायर। अब इसका फोर आया है वन टू थ्री फोर तो इसका क्या है वन आएगा आंसर, कैसे देखो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, एक तो है डी ये रहा डी ये तीनों ये रहे पॉइंट, क्या होगा बताओ डी का तो है वन जीरो, ई का है वन टू और एफ का दे रखा है आपके जीरो और वन, एक्स वन वाई वन एक्स टू y2, x3, y3। अब हम लगाएंगे एरिया, कौन सा एरिया है एरिया ऑफ डी ई एफ, फॉर्मूला यही है बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्या क्या लिखेंगे सबसे पहले एक बटा दो एक्स वन कोष्टक प्लस एक्स टू कोष्टक प्लस एक्स थ्री, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वन वन जीरो वन कोष्टक प्लस वन कोष्टक प्लस जीरो, अब है आपके वाई टू वाई थ्री, वाई टू वाई थ्री दो माइनस एक, फिर है आपके वाई थ्री वाई वन, वाई थ्री वाई वन वन माइनस जीरो, वाई थ्री वाई वन वन माइनस जीरो, फिर है आपके वाई वन वाई टू ये वाला जीरो और दो, वन अपॉन टू है ये कोष्टक वन इंटू दो में से एक गया एक प्लस एक इंटू वन में से जीरो गया वन, अब जीरो को किससे गुणा करो आंसर क्या आएगा आपके जीरो ही आएगा, ये आएगा वन अपॉन टू वन इंटू वन 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 इंटू वन वन प्लस जीरो, वन अपॉन टू इंटू एक और एक कितने हो गए आपके दो, दो से दो कैंसिल आंसर कितना आया वन यूनिट स्क्वायर। अब याद करेंगे रेशो एरिया ऑफ ए बी सी कौन सा है, पहले डी एफ कोई भी जो नाम लिखोगे वो आगे लिखना है एरिया ऑफ ए बी सी, इसका आंसर क्या है आपके वन और उसका आंसर कितना है फोर, तो ये हो जाएगा वन रेशो फोर।